सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया आज ना इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट थी 2-3 बार इन्होंने की, मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता जी। अशोक कुमार जी, लॉट ऑफ थैंक्स, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने दिया डिस्कशन के लिए। चर्चा आज करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के ऊपर। इसको थोड़ा ना समझेंगे, बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, कैसे पहचान करें, एंड देन कम टू द होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी ही क्यों, क्यों है होम्योपैथिक बेहतर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू अदर पैथीज। ठीक है, आइए बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की। न्यूरेल्जिया दोस्तों, इसके ये टर्म हमने पहले डिस्कस की हुई है, नर्व पेन, बेसिकली नसों में दर्द। और ट्राइजेमिनल एक प्रकार की नर्व है, इट्स अ पेयर ऑफ नर्व्स बेसिकली, जिसका नाम ट्राइजेमिनल दिया जाता है। अगर उसके किसी हिस्से में, उसके किसी ब्रांच में दर्द हो, उसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का नाम देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ना फेस को सप्लाई करती है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें, आगे काम आएगी। हमारे सर में से ना 12 पेयर निकलते हैं नर्व्स के, 12 pairs of nerves emerge from our head, जिसे हम कहते हैं cranial nerves, cranial nerves। ठीक है, उसमें से एक pair है trigeminal nerve का, और ये हमारे, it is a pair, right? दो nerves हैं, और ये हमारे सर की तरफ से चेहरे पे आती हैं, दोनों, one on each side, और ये हमें sensations बताती हैं। देखिए, nerves का basic function हमें मालूम है, क्या बताती हैं, किसी प्रकार की sensation है, कुछ भी sensation, यानी कि अगर हमें किसी ने छुआ है, on touch, कोई burning हो रही है, जलन हो रही है, कोई चुभन सी हो रही है, कोई सुई सी चुभ रही है, किसी प्रकार की कोई sensation अगर हमारे चेहरे पे हो रही है, तो trigeminal nerve बताती है। और ये जो ये वाला न्यूरेल्जिया होता है ना, ये नर्व पेन जो है ना, इसमें दर्द रहता है, ये बहुत भयंकर रहता है। किस प्रकार का रहता है, जैसे कि ना इलेक्ट्रिक शॉक है, कोई बिजली का झटका लगता है, बहुत माइल्ड भी हो सकता है, हल्का सा हो सकता है, बहुत इंटेंस भी हो सकता है, भयंकर से भयंकर भी रूप ले सकता है। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, आप सोचोगे कि इतने पार्ट्स हैं हमारे फेस पे, सबको कवर कैसे करती है। दो नर्व्स हैं, इट्स अ पेयर, लेकिन आगे जाके ना ब्रांचेज हैं, इट ब्रांचेज आउट इनटू थ्री, तीन ब्रांचेस निकलती हैं इसकी आगे जाके। सबसे पहले ऑफ्थैल्मिक ब्रांच, बेसिक जानकारी लेंगे। ऑफ्थैल्मिक ब्रांच जो है ना, ये ऑफ्थैल्मिक मींस आईज, है ना, आंखों को सप्लाई करती है, अपर आईलिड है और फोरहेड है, इस पोर्शन को ये सप्लाई करती है, दिस वन ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। दूसरी है जिसको हम कहते हैं मैक्सिलरी, ये जो मैक्सिलरी ब्रांच है ना, ये सप्लाई करती है द लोअर आईलिड को, कह लें नॉस्टिल्स को, अपर लिप, अपर गम्स, मसूड़ों को भी ये सप्लाई करती है, चीक्स को सप्लाई करती है। ठीक है, और तीसरी है वो, दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच, जो मैंडिबुलर ब्रांच है, मैंडिबल्स को सप्लाई करती है, सिंपल लोअर जॉ को सप्लाई करती है, लोअर लिप को सप्लाई करती है, राइट? अब ये जो ट्राइजेमिनल का न्यूरेल्जिया है ना, ये किसी भी ब्रांच को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी ब्रांच नर्व की इसको अफेक्ट कर सकता है, और जहां जहां वो सप्लाई करता है, वहां वहां उसके लक्षण दिखते हैं, उस हिसाब से आगे दवा का चयन किया जाता है। ठीक है, मोस्टली इट इज वन साइडेड, यूजुअली एक तरफा रहता है दर्द, लेकिन अगर दोनों तरफ रहे तो बाइलेटरल हो जाएगा, वी कॉल इट बाइलेटरल ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। आइए लक्षणों की बात करते हैं, द सिम्टम्स। दोस्तों, इसमें जो पेन का लक्षण है ना, दर्द का जो सिम्टम है, वो बड़ा प्रोमिनेंट है ही दर्द, बिकॉज न्यूरेल्जिया की बात कर रहे हैं। दर्द भी दो प्रकार का रहता है, एक तो होता है थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा, माइल्ड सा दर्द होता रहेगा, कांस्टेंट होता रहता है, दैट वी कॉल टाइप 2 ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। एक होता है कि अचानक से होगा, लेकिन बहुत इंटेंस होगा, सडन होगा, बहुत जबरदस्त होगा, उसको हम क्लासिक ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का नाम देते हैं। मोस्टली क्या होता है, हमारे जबाड़े को लेकर दर्द रहता है, किसी ना किसी हिस्से में ऐसा पेन होता है बहुत भयंकर, और हमें लगता है कि जैसे ना टूथ एब्सेस हो गया, दांतों में या जाड़ों में कोई दिक्कत आ गई, सो वी नॉर्मली विजिट अ डेंटिस्ट, लेकिन द अंडरलाइन कॉज इज समथिंग एल्स। फिर लक्षणों में दोस्तों, पेन रहता है किस प्रकार का रहता है, शूटिंग पेन रहता है, स्टैबिंग पेन रहता है, बहुत शार्प तीखा सा दर्द रहेगा, जैसे छुरी का दर्द है ना, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हो रहा है ना, बिजली का झटका लगता है, उस प्रकार का दर्द रहता है। अच्छा, इसमें भी ना ट्रफ्स एंड पीक्स रहते हैं, कि एकदम से जैसे पेन आना शुरू होगा तो होता रहेगा, फिर कुछ ऐसा समय आएगा, कुछ समय पश्चात जैसे कि ना पेन नॉर्मल हो गया, देयर इज नो पेन एट ऑल, रिमिशन का एक फेज कहते हैं हम उसे, रिमिशन, उसके बाद फिर से वो ट्रफ वो पीक पे चला जाएगा, फिर तेज हो जाएगा दर्द, इस तरह से इसका दर्द रहता है। और ये किसी चीज से ट्रिगर हो सकता है, ये छूने से ट्रिगर हो सकता है, ट्रिगर जाने की
स्टार्ट हो सकता है, अगर हम सिंपल इसको छुएं उससे भी हो सकता है, अगर हम अपने दांतों में ब्रश करें उससे भी हो सकता है, जो लोग शेव करते हैं उससे भी हो सकता है, इवन स्माइल करने से, मुस्कुराने से दर्द हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया किसी कारण से हो सकता है इनमें से। यूजली मैंने कहा ना जैसे वन साइडेड दर्द रहते, एक तरफा दर्द रहेगा, और ये ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे टीथ को, हमारे दांतों को, हमारे जबाड़े को, जॉस में दर्द रहता है, गम्स मसूड़ों में दर्द रहता है, चीक्स में दर्द रहता है, ठीक है। कम अफेक्टेड एरिया है वो हमारे आईज एंड फोरहेड है, वहाँ इतना नहीं रहता, लेकिन ये लोअर पार्ट जो है ना ये बहुत अफेक्टेड रहता है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया ना तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स में ना कंटिन्यूसली जैसे ना ट्विचिंग सी होती रहती है, नर्व ट्विचिंग आप समझते हैं, झंझनाहट सी, एक ना ट्रेम्बलिंग ऑफ नर्व्स विच लीड्स टू ट्विचिंग, वो एरिया जैसे ना ट्विच करता रहेगा, ट्विचिंग होती रहेगी, वो होता है। और अगर ये भी ना ठीक हो पाया ना तो बंदे को फालतू की टेंशन होती रहती है, बिकॉज इट लुक्स बैड, इनवॉलंटरी ट्विचिंग रहेगी, उसको दर्द तो असहनीय रहेगा, इट कैन लीड टू एंग्जाइटी एज वेल। इसमें ना कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैंने कहा ना छूने से भी हो सकते, इट कैन विद अ टच ऑन द फेस, स्माइलिंग, मुस्कुराने के लिए अक्सर कहते हैं यू शुड कीप स्माइलिंग, लेकिन हाँ अगर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है ना मुस्कुराएं, इट कैन ट्रिगर द पेन, नर्व पेन ट्रिगर हो सकती है इससे। चेहरा धोने से हो सकती है, किसी प्रकार का सेंसेशन, आई मीन कुछ को टच हो, शेविंग करते समय, मैंने कहा ब्रश करते समय दांतों में ब्रश कर रहे हैं उससे हो सकता है, इवन वाइल अप्लाइंग द मेकअप, चेहरे पे अक्सर मेकअप जो करती हैं महिलाएं, तो उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है। ज़्यादा बोलने से लगातार मसल्स अफेक्ट होती है ना, तो उस वजह से भी न्यूरल्जिया हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता है। और कई बार तो ना डायरेक्ट जैसे विंड ब्लो कर रही है, हवा लग रही है, ब्रीज इज ब्लोइंग, हवा ब्लो करती है आपके चेहरे को टच करती है, उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है। आइए दोस्तों कारण समझें, कॉजेज क्यों होगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। सबसे पहले तो समझें कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना उसमें इरिटेशन होती है, उसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो दर्द होगा, तो न्यूरल्जिया होगा। अब छेड़छाड़ कैसे होगी, उसको इरिटेशन कैसे होगी, या तो कोई पास से कोई ब्लड वेसल निकल रही है वो उस पर दबाव डाल रही है, कुड बी एनी रीजन, है ना, इस वजह से हो सकता है, कई बार ना कोई इंजरी की वजह से हो सकता है। अब ये सब कारण ना ये बेसिकली क्या करते हैं, हमने वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा था न्यूरल्जिया के वीडियोस में, तो उसमें ना माइलिन शीथ जो आउटर कवरिंग रहती है, अगर उसमें गड़बड़ हो, छेड़छाड़ हो जाए ना, अगर वो डैमेज हो जाए तो ये न्यूरल्जिया अक्कर होगा, ये होगा, ठीक है। इंजरी से मैंने कहा आपको हो जाता है, कई बार कई ऐसी बीमारियां रहती हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, उस वजह से भी माइलिन शीथ डैमेज होती है, और अगर ट्राइजेमिनल नर्व की हो रही है तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होना संभाविक है। इंजरी, ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, इट कैन ट्रिगर, इट कैन लीड टू, ये एक बहुत प्रमुख कारण रहता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का। अब इंजरी भी हो सकती है वाइल परफॉर्मिंग ए सर्जरी, कोई सी ऑपरेशन के दौरान हो सकती है इंजरी, स्ट्रोक की वजह से इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो सकती है, इट कैन लीड टू ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। कोई ट्यूमर है अंदर, वो प्रेस कर रहा है, वो माइलिन शीथ को डैमेज कर रहा है ना, वो उसको पे दबाव डाल रहा है, इट कैन लीड टू ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक है। फिर महिलाओं में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है पुरुषों के कंपैरिजन में, और एज रिलेटेड भी बात करें तो मोर देन 50 इयर्स पीपल, जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है ना, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस न्यूरल्जिया के होने के। एंड इट आई मीन रन्स इन फैमिली, परिवार में भी अगर किसी को दिक्कत रहती है तो आगे बच्चों में आने की संभावना अगेन इट कैन इंक्रीज, बढ़ जाती है। आइए दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं, नथिंग लाइक होम्योपैथी। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, इसमें मैंने शुरू में बताया ना आपको वाई होम्योपैथी, होम्योपैथी बेटर क्यों है बाकी सबसे। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, एलोपैथी में देगी वो एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी स्पास्मोडिक्स देंगे, ठीक है ना, उससे क्या रहता है शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है बंदे को, लेकिन दे आर एसोसिएटेड विद अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स, हमें मालूम है कि उसके नुकसान रहते हैं, साइड इफेक्ट्स रहते हैं। फिर बोटॉक्स इंजेक्शन यूज कर सकते हैं एज ए लास्ट रिजोर्ट, या दे एडवाइज यू टू गो फॉर अ सर्जरी, है ना, सर्जरी के लिए या रेडिएशन थेरेपी के लिए कहेंगे आपको टू गेट रिड ऑफ दैट। दोस्तों कम टू होम्योपैथी, अगेन आई वुड से द सूनर यू कम द बेटर इट इज, क्योंकि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है ना, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये समय के साथ और बढ़ता है, इट वर्सन्स विद टाइम, जैसे ही शुरुआती लक्षण आते हैं इमीडिएटली स्टार्ट विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यू विल गेट रिलीफ। एंड इनफैक्ट ये ना जो लक्षण है ना, इट कैन रिवर्स द होल प्रोसेस, होम्योपैथी इज सच इफेक्टिव कि
क्योंकि ये पहले बात तो केस टेकिंग, इंडिविजुअल केस टेकिंग रहेगी, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स, उसके आधार पर दवा दी जाती है। बेसिक नॉलेज अब हमें है होम्योपैथी के, ठीक है। और इसमें व्हाट वी लुक इनटू इज लोकेशन ऑफ पेन, सिम्टम्स, टाइम एंड मोडालिटीज। ये तीन से चार चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं और इनके आधार पर ही मेडिसिन चूज़ की जाती हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपके सामने रखता हूँ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडीज। सब कुछ भूल जाएं लेकिन ये तीन दवाएं अपने पास रखें। जिस किसी को दिक्कत है ना ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के, ये डिफिकल्ट सिम्टम्स फेस कर रहा है, आई ऑल्सो आई वुड एडवाइस डू शेयर दिस वीडियो, जरूर फायदा पहुंचाएं किसी ना किसी का। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा दैट इज मैग्नीजिया फॉस्फोरिका, मैग फॉस जिसे हम कहते हैं। मैग्नीजिया फॉस्फोरिका इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी दैट स्पेशली जैसे ना ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के सिम्टम्स के लिए बनी है, स्पेशली दोज जो कि राइट साइडेड है, चेहरे का राइट साइड अफेक्ट करता है एंड वो सिम्टम्स जो है ना राइट आई से लेके पूरे राइट साइड ऑफ द फेस यहाँ दिखते हैं। और सिम्टम्स किस प्रकार के रहते हैं, पेन जो रहता है इट इज अ स्टैबिंग, स्टिचिंग एंड शूटिंग टाइप ऑफ अ पेन, दो से तीन घंटे बाद फिर रिपीट होता है, ये वापस आ जाएगा दर्द, इस प्रकार का रहता है। तो दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ समझे मैग फॉस देने के लिए। सबसे पहले तो छूने से दर्द करता है, छुएगा कोई भी छुएगा चेहरे को तो ये दर्द बढ़ता है, इट गेट्स वर्स ऑन टच। एंड सेकेंड इज मुंह खोलने से, व्हेन यू ओपन द माउथ इट स्टार्ट्स टू पेन। मैग्नीजिया फॉस्फोरिका 30 cc से शुरू करें। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया न्यूरालजिक पेन रहेगा ट्राइजेमिनल नर्व में, वहाँ देंगे हम स्पेशली व्हेन इट इज लेफ्ट साइडेड, जब बाईं तरफा रहता है सिम्टम। पेन जो रहता है हमारी आँख में रहेगा, चीक में रहेगा, हमारे टीथ में रहेगा, हमारे टेम्पल में रहेगा, ऑल लेफ्ट साइडेड पेन, ठीक है स्पाइजीलिया। और इसका दर्द ना सडन आता है, अचानक से आएगा, अचानक से चला जाएगा, फिर अचानक से आएगा, इस तरह रहता है स्पाइजीलिया। 30 cc दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन 200 cc दे सकते हैं फॉर इमीडिएट रिलीफ। दोस्तों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा, टॉप थ्री की बात कर रहे हैं, थर्ड इज वर्बैस्कम। वर्बैस्कम म्यूलिन ऑयल आपने सुना है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा रोल है, इसके अलग से चर्चा करेंगे। वर्बैस्कम बेसिकली ए प्लांट है, वर्बैस्कम थैप्सस जिससे ये प्रोक्योर किया जाता है, ये दवा तैयार की जाती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, इट एक्ट्स ऑन द थर्ड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। थर्ड ब्रांच कौन सी थी, मैंडिबुलर, कहा था ना वो समझे आगे यूज होगा, तो वर्बैस्कम यहाँ काम आती है। इसके दो इंपॉर्टेंट सिम्टम समझें, इसमें ना हम कहाँ यूज करेंगे, व्हेन द पेन अकर्स इन फ्लैशेस, फ्लैशेस अभी आई अभी चलेगी, अभी आई अभी चलेगी, इस तरह की दर्द रहती है, वर्बैस्कम वहाँ यूज करेंगे। और थोड़ा सा अगर मूवमेंट किया चेहरे को, थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा हिल डुल हुई, थोड़ा हिलाया, वर्बैस्कम देनी पड़ेगी क्योंकि पेन होता है। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की तीन दवाएं। बिफोर आई वाइंड अपना दो इंपॉर्टेंट दवाएं और अपने पास रखें, ये याद रखें हाइपेरिकम। हाइपेरिकम कैसे भूल सकते हैं, जब नर्व का दर्द हो, नसों का दर्द हो, स्पेशली आफ्टर एनी इंजरी, कोई चोट है सर्जरी के दौरान हुई है, स्ट्रोक की वजह से या अदरवाइज, अगर नर्व इंजरी हुई है जिससे ये दर्द शुरू हुआ है और अगर ये ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करती है तो हाइपेरिकम तो देनी देनी है। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, नंबनेस भी हो जाती है इस नस में, तो वहाँ हम हाइपेरिकम देंगे। और दर्द जो रहेगा वो शार्प रहता है, तीखा सा, शूटिंग सा, चीरता हुआ दर्द, वी कॉल इट टीयरिंग पेन, ऐसा भयानक दर्द। हाइपेरिकम 30 cc दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और फाइनली कोलोसिंथेस, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये जो न्यूरालजिक पेन रहता है ना इट इज फॉलोड बाय नंबनेस, सुनपन सा हो जाता है, और ये दिन में 3 से 4 बार होगा ये वाला दर्द जो रहता है, फॉलोड बाय नंबनेस, वन साइडेड रहता है न्यूरालजिक पेन और साथ में दांत में दर्द रहता है विद टूथेक। इसका एक सिम्टम थोड़ा डिफरेंट है कि जैसे ना ये थोड़ा सा प्रेस करने से ना थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। अगर ऐसा कुछ है कोलोसिंथेस देंगे 200 cc दे सकते हैं दिन में 2 बार। दोस्तों आज के वीडियो से हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या होता है, कितना भयानक किस्म का दर्द रहता है, और नसों का दर्द तो परमात्मा ही ख्याल रखे। आई प्रे फॉर ऑल माई पेशेंट्स जिनको दिक्कत रहती है किसी प्रकार की, इस प्रकार की जो न्यूरालजिक पेन रहती है, प्रार्थना सब किया करें, लेट द स्माइल्स स्प्रेड ऑल ओवर, लेट द बेनिफिट स्प्रेड ऑल ओवर, डू शेयर दिस वीडियो दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ना फायदा जरूर पहुंचे।
थैंक यू वंस अगेन गुप्ता जी, बहुत अच्छा है आपने डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, एनी सम एनी डिफरेंट टॉपिक यू वांट टू हैव डिस्कशन ऑन, ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है गुरु नानक केयर्स, तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यू कैन मेल मी एट गुरु नानक केयर्स एट जी मेल डॉट कॉम। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।